महानगा ट्रेन ट्रेजेडी रे प्राण हरायथिबा 28 टी अचिन्हा मृतदेह को डिस्पोज करिबो भुवनेश्वर महानगर निगम। एथिपई प्रक्रिया आरंभ करबा सह एसओपी जारी करिछि बीएमसी। जून 2 तारिख रे घटिथिबा हृदय विदारक ट्रेन दुर्घटना रे शताधिक लोकंकर प्राणहानि होइथिला। डीएनए टेस्ट परे समस्त शवकु चिन्हट करी सेमानंक परिवार लोकंकु हस्तांतर करा जाइथिला। हेले घटनाकु दीर्घ 4 मासरु अधिक समय बितिथिले सुधा एबे भी भुवनेश्वर एम्स रो शवगृह रे पड़ी रहिछि 28 टी मृतदेह। डीएनए टेस्ट परे मध्य 28 टी मृतदेह चिन्हट होइनथिबा बेले एमानंकर दाबीदार मध्य केहि नथिबा जणा पड़िछि। तबे समस्त शवकु डिस्पोज करबा पई केन्द्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई अगस्ट 25 रे खोर्धा जिलापालंकु चिठी लिखिथिला। गत 7 तारिख रे जिलापाल चिठीर उत्तर रखिबा परे शव डिस्पोज पई बीएमसी पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होईछि। जारी होइथिबा एसओपी अनुजाई मृतदेह हस्तांतर ठारु शव सत्कार जाए समस्त प्रक्रियार भिडियोग्राफी हेबो। सीबीआई अधिकारीक उपस्थित रे हेबो शव सत्कार। सीबीआई अधिकारीक उपस्थित नै एम्स को जणाइथिला बीएमसी। एथिपई सोमवार सीबीआई अधिकारी भुवनेश्वर आसुछंती। मंगलवार मृतदेह बीएमसी को हस्तांतर करिवे सीबीआई अधिकारी। परे भरतपुर ओ सत्यनगर श्मशान रे शव सत्कार हेबो बोली सूचना दैछंती भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास। सरकार को निष्पत्ति अनुजाई बीएमसी जो 28 टी डेड बॉडी रही एम्स रे से डेड बॉडी रो क्रिमेशन करिवो, किंतु एबे हेई पारिबो नाही कारण कोनोसी जगह रे किए हैंडओवर करिवो बॉडी सेटा मेंशन हेई नथला। तेणु जदि आमे एम्स कर्तृपक्ष को रिक्वेस्ट करथिलु लेटर देथिलु से माने सीबीआई को जणैछन्ती, तो सीबीआई रो जणे रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट रही कि बॉडी हैंडओवर हम से आमको वेट करिया पड़िबो। बोधे गोटे दिन से मझीरे नेबे आसंता काली से आसिबे, तेणु पहर दिन आमको से बोधे हैंडओवर करिबे डेड बॉडी। तापरे आमे बीएमसी से जो 28 टी जाको डेड बॉडी अछि ताको क्रिमेशन करिबो। भरतपुर एवं जो सत्यनगर दुईटी जगह रे आमे व्यवस्था करछु।